ठीक है एकादशी का दिन है, क्या करो थोड़ी बहुत फलाहार कर लो, फलाहार करके और नियम है एकादशी का दिन दूसरे दूसरे दिन हम जितने हरिनाम करते हैं उससे ज्यादा आज तक ज्यादा हरिनाम करना चाहिए। आज अगर एक माला कोई करना, एक माला करने पर 10 माला करने का उसको फल मिलता है। इसलिए नियम है दूसरे दूसरे दिन हम जैसे साधन भजन करते हैं एकादशी का दिन थोड़ी सी ज्यादा करो। क्या करो बोले सबई मन कृष्ण पदार बिंद, ये मन को क्या करो ठाकुर जी के चरण में लगा दो। बोले पाचांसी मतलब पानी को क्या करनी चाहिए हरे गुणान बल भगवान की कीर्तन में लगाओ। जैसे आज एकादशी गया, आज पूरा एकादशी का फल मिलेगा क्योंकि प्रभु का नाम कीर्तन किया गली गलियों में और खूब नाचे कूदे। आज समझो एकादशी का हमको पूरी फल मिलेगा है। इसलिए करो हरेर मंदिर मार्जना जिसो, बोले हाथों के द्वारा क्या करनी चाहिए बोले भगवान के मंदिर को मार्जन कर। बोले श्रुति च बोले कानों से बोले अच्युत सत कथा भगवान की कथा सुननी चाहिए। ऐसे ही आज एकादशी का दिन दूसरे दूसरे दिन जितने भक्ति करते हो उससे थोड़ा आज ज्यादा करो। और ठाकुर को विशेष करके ठाकुर को सेवा आज अच्छे तरह से करनी चाहिए। जिनके घर में लड्डू गोपाल होगा आज का दिन क्या करो अच्छे तरह से ठाकुर को स्नान कराओ है। नहीं तो थोड़े तो आज का दिन जैसे ठाकुर को रोज जैसे स्नान कराते हो, लेकिन आज का दिन क्या करो थोड़ी सी दही दूध थोड़ा ला करके पंचा पर स्नान कराओ। अब ठाकुर का आज नींबू से नहीं तो दही से रगड़ रगड़ करके, जिसको घर में ठाकुर होगा गोपाल राधा कृष्ण थोड़ी रगड़ रगड़ करके ठाकुर जी का अच्छी तरह से साफ करो। नियम है 15 दिन में कम से कम ठाकुर जी को अच्छे तरह से दही है और नहीं तो नींबू से रगड़ रगड़ कर अच्छे तरह से ठाकुर को एकदम साफ सुथरा कर देते। और ठाकुर जी को आज का दिन कोशिश करनी चाहिए ठाकुर जी का मंदिर थोड़े से अच्छे तरह से सजा। जैसे फूल माला तो रोज देते नहीं ठाकुर जी को, जो देते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज का दिन जरूर थोड़ा फूल ला करके ठाकुर जी को एक फूलों की माला पहनाओ। गुरु जी का तस्वीर होगा, गुरु जी को गले में आज माला पहनाओ है। और आज का दिन विशेष क्या करनी चाहिए आप लोग तो मंदिर में क्या होता है, जैसे दूसरे दूसरे दिन जब कोई खाना बनता है ना अन्न, जैसे पनीर का सब्जी बन रहा है आज शाही पनीर बन रहा है, आज मन में ना लोभ आ जाता है बढ़िया खाना हो रहा है, पहले भोग लगने से पहले हमारे जीव में पानी आ जाती है। इसलिए नियम आज का दिन क्या करनी चाहिए, चैतन्य महाप्रभु का समय पे एक जगदीश हिरण्य थे, वो आज का दिन क्या करते थे एकादशी का दिन जो चीज नहीं चलेगा जैसे अन्न दाल सब्जी शाही पनीर मटर पनीर राजमा चावल बड़ी चावल, बड़ी सुंदर सुंदर ठाकुर जी को आज का दिन बढ़िया बढ़िया खाना लोग करते, क्योंकि एकादशी हम लोगों के लिए एकादशी ठाकुर जी के लिए, एकादशी ठाकुर जी के लिए नहीं एकादशी हम लोग के लिए। इसलिए आज का दिन ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ, क्योंकि दूसरे दिन हमारे लोभ होता है खाने की, जितने भी ठाकुर के लिए बनाते हैं लेकिन आज का दिन पता है आज हम इसको खा ही नहीं सकते, अन्न आज खा ही नहीं सकते। इसलिए आज का दिन ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया जो हम लोग नहीं खा सकते वो चीज ठाकुर जी को बना करके भोग लगा कर रखो। और दूसरे दिन क्या करो सवेरे उसी चीज से अपना व्रत करो, उसी चीज से सवेर जो नाश्ता करो उसी चीज से व्रत आप उससे ही व्रत खोल सकते हो। इसलिए आज का दिन आप लोग जितने हरिनाम करते हैं कोशिश करना आज का दिन थोड़ी सी ज्यादा हरिनाम करें, ज्यादा ठाकुर को इधर उधर ज्यादा टीवी खोल कर मत देखो, स्मार्टफोन उल्टा उल्टा चीज को आज देखना नहीं है, क्योंकि एकादशी मतलब एकादशी इंद्रियों को द्वारा आज विशेष विशेष करके एकादशी इंद्रियों को ठाकुर जी की सेवा में आज लगाना, ठीक है ना। और आप लोग तो परिक्रमा कर थक गए, फिर घर में बहुत सारे काम पड़ा होगा ना, सवेरे सवेरे आज इधर आ गए हो, इसलिए अभी आप लोग प्रेम से सबके सब जाना और शाम को आज का दिन आ जाना। कुछ दूसरे दूसरे वैष्णव लोग आज बुलाया है, आज बड़े सुंदर सुंदर हरि कथा होगी शाम को रूप गोस्वामी के बारे में उनकी शिक्षा के बारे में, आज शाम को है अच्छे तरह से हरि कथा कीर्तन करेंगे और शाम को भी बढ़िया प्रसाद दिए अच्छे प्रसाद लगेगा।
ठीक है, बोले से वृंदावन बिहारी की जय, एकादशी व्रत की जय, माधव तिथि की जय। हाँ प्रसाद प्रसाद ले इधर आ, बताओ।